Good morning, dear parents and students. I, Ms. Aarti Singh, class teacher of your ward of class 2nd, welcome you. Today's date is April 1st, 2020, that is Wednesday, and today's topic in maths is recapitulation of numbers up to 100. In this class, I am going to revise you some concept which you have already learned in class 1st. So let's start with a quick recap with me. Students, यहाँ मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और यहाँ कॉन्सेप्ट लिखे हैं लाइक स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड पुट द साइन. स्मॉलर नंबर में काउंटिंग में जो नंबर सबसे पहले आते हैं वो होता है हमारा स्मॉलर नंबर. अगर मैं इन दोनों नंबर्स की बात करूं तो इसमें स्मॉलर नंबर है 21 और बिगर नंबर है 73 जो काउंटिंग में बाद में आता है. असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स अरेंज करते हैं स्मॉल टू बिग. इन नंबरों में मैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखूंगी जो है 11, उसके बाद 21, आफ्टर 1 59, देन 60, देन 73 एंड लास्ट में 95. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को बिग टू स्मॉल अरेंज करते हैं. सबसे बड़ा नंबर 95, देन 73, देन 60, आफ्टर दैट 59, 21 एंड लास्ट में 11 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर. पुट द साइन. अब मैं इन दो नंबर्स को लेती हूं, हमारा जो साइन है जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं सबसे बड़ा नंबर वहां पे जो साइन लगता है जैसे क्रोकोडाइल का मुंह ओपन होता है उसी शेप में बिगेस्ट नंबर की तरफ क्रोकोडाइल की तरह मुंह खुलता है. जब दो नंबर सेम होते हैं तो हमारा कौन सा साइन आता है, इक्वल टू का साइन. डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर एबल टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट. डियर पेरेंट्स, हेल्प योर वार्ड फॉर प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट बाय चेंजिंग द नंबर्स. थैंक यू. स्टे होम, स्टे हेल्दी.